नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। शुरुआत करते हैं न्यूज ब्लास्ट में। आंदोलन धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की नई गाइडलाइन, अब आंदोलन से पहले भाजपा संगठन की मंजूरी लेनी होगी। डॉक्टर किरूनी नमीना के आरोपों के बाद संगठन ने ये कड़ा रुख इख्तियार किया है। सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को मंजूरी इसके लिए लेनी होगी और आंदोलन के लिए जिला या फिर प्रदेश स्तर पर संगठन की मंजूरी लेनी होगी। आंदोलन से पहले मुद्दा और विषय संगठन की संज्ञान में भी लेकर आना होगा और बिना संगठन की इजाजत आंदोलन अगर किया गया तो फिर इसे व्यक्तिगत माना जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बैठक में इसे लागू करने पर मंथन किया। जिला इकाइयों को भी सूचना भेजने की दिशा में काम शुरू हो गया है, एक बड़ी पहल, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें और बातें सामने आई थी और हाल ही में डॉक्टर किरूनी मीना के आरोपों के बाद संगठन का ये कड़ा फैसला रहा। आंदोलन और धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की नई गाइडलाइंस में आई है, अब आंदोलन से पहले भाजपा संगठन की मंजूरी लेनी होगी। डॉक्टर किरूनी मीना के आरोपों के बाद संगठन का कड़ा रुख इसमें आया है। सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को मंजूरी पहले लेनी होगी और बाकायदा संगठन को ये बताना होगा कि किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं, मुद्दा क्या है। जिला या प्रदेश स्तर पर संगठन की मंजूरी इसके लिए पहले बाकायदा लेनी होगी। आंदोलन से पहले मुद्दा और विषय संगठन संज्ञान में लेकर आना होगा और बिना संगठन की इजाजत अगर आंदोलन किया गया तो उसको फिर व्यक्तिगत ही माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा विदेश में देश की बदनामी का कोई मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे। लगातार सैनिकों का मनोबल गिराने वाले बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में कई घोटाले हुए, कांग्रेस सरकार में कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है, अब कश्मीर में बर्फ के गोले से खेल रहे हैं राहुल गांधी। तमाम सारी बातें उन्होंने कही और सदन में भी इस चीज को लेकर लगातार हंगामा जारी है। तो वही केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेश में विदेशी प्लेटफॉर्म पर देश की बदनामी का कोई भी मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे। भाषण और संबोधन उनके हमेशा देश विरोधी होते हैं, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि लगातार सैनिकों का मनोबल गिराने वाले बयान भी राहुल गांधी और उनके नेता दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में कई घोटाले हुए, कांग्रेस सरकार में कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद और उसके बाद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर अंतिम पड़ाव में कश्मीर पहुंचे तब प्रियंका गांधी के साथ उनके स्नो के साथ खेलने की जो तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बर्फ के गोले से राहुल गांधी जो खेल रहे हैं वो सभी कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की दी गई नीतियों की बदौलत हो पाया। तो राहुल गांधी के बयान पर विपक्ष की नाराजगी को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने जो यात्रा की राजस्थान में भी जिस रूप से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, वो बेमिसाल थी। पूरे देश में ये माहौल था, मुद्दा महंगाई बेरोजगारी का था और देश में जो हिंसा तनाव है वो भी मुद्दे में थी। प्रेम मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए और अमीर गरीब की खाई ना बढ़े, यही तो मुद्दे थे। कौन सा मुद्दा है जो राहुल गांधी जी ने नहीं उठाया और लंदन में उठा दिया हो, आप बता दीजिए। तमाम सारी बातें सीएम अशोक गहलोत ने कही। इस रूप से घबरा कर एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी खुद उनके सिपह सलार राजनाथ सिंह जी से बुलवा दिया पार्लियामेंट के अंदर कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि किस बात की माफी उनको मांगनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि उस व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार से प्रोपेगेंडा शुरू करना, क्योंकि धनबल की कमी नहीं है इनके पास, देश को बर्बाद कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवाकर विपक्षी नेताओं पर ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इनकी बातों में देश आने वाला नहीं, इनकी चालों को लोग समझ गए हैं। तो विपक्ष के तौर पर और सरकार में देखिए जिस तरह से आने वाले दिनों में अब स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सदन में भी इस चीज को लेकर लगातार हंगामा जारी है। राहुल गांधी से मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि वो माफी मांगे पूरे देश के सामने इस बात को लेकर। तो वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस चीज पर अड़ी हुई है कि उन्होंने तमाम सारी देश की ही समस्याओं को उठाया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सारी देश की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं सभी तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में उठाई, उसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली आदि। उन्होंने कहा कि इन्हीं बातों को देश समझ गया है कि इसमें चाल इन लोगों की छिपी हुई है। तमाम सारे जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है इस मसले पर फिलहाल ताजा है। सीएम अशोक गहलोत आज जाएंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, विधि महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। आज दोपहर
2 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जैव की ओर से आयोजन हो रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री सालेह मोहम्मद, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के घूमर पंडाल में कार्यक्रम होगा और सीएम के कार्यक्रम को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे 2 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा है। फिलहाल छात्र संघ उद्घाटन कार्यक्रम में जब शिरकत करेंगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विधि महाविद्यालय में यह आयोजन राजधानी राजस्थान विश्वविद्यालय के घूमर पांडाल में मुख्य आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे सीएम अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। कड़ी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हो गया। 80 साल की उम्र में देर रात एसएमएस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्रेन स्ट्रोक के बाद कालवी का मेडिकल आईसीयू में इलाज चल रहा था और देर रात कार्डियक अरेस्ट के बाद कालवी का निधन हो गया। लेकिन राजपूत समाज के लिए मुखर होकर आवाज उठाने वाले नेता लोकेंद्र सिंह कालवी हमेशा रहे। उनके निधन से राजपूत समाज में पूरे शोक की लहर फैल गई है। दरअसल 2003 में सामाजिक न्याय मंच बनाकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और आज ही नागौर में उनके पैतृक गांव कालवी में उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 2:15 पर निज निवास से अंतिम यात्रा निकलेगी। प्रदेश भर से समाज के लोग जनप्रतिनिधि इस अंत्येष्टि में शामिल होंगे। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, महिपाल सिंह मकराना, श्याम प्रताप सिंह रूवा, अजीत सिंह मामडोली, कर्नल गोपाल सिंह कालवी, डॉक्टर संत नानक दास महाराज लगातार उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो अंतिम सफर पर वहीं पर निकलेंगे और अंतिम विदाई यहीं पर दी जाएगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैस करेंगे शादी। मानसा एसपी ज्योति यादव के साथ वैवाहिक बंधन में वो बंधने वाले हैं और इसी महीने आनंदपुर साहिब में दोनों की शादी समारोह आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री और आईपीएस की शादी पंजाब में चर्चा का विषय बनी हुई है। आईपीएस अधिकारी ज्योति यादव बैस की दुल्हनिया बनेगी और इसी महीने ये शादी होने वाली है। पंजाब की शिक्षा मंत्री है हरजोत बैस, उनके साथ में शादी होगी मानसा की एसपी ज्योति यादव की और फिर साथ में वो परिणय सूत्र में वैवाहिक बंधन में इसी महीने आनंदपुर साहिब में शादी दोनों करने वाले हैं। अब इसी बीच शिक्षा मंत्री और एक आईपीएस ऑफिसर की शादी पंजाब में चर्चा का विषय बनी हुई है। चार्ज शिंदे का डर, इसलिए कुछ नहीं चाहते डीपीसी हो। पशुपालन विभाग में लंबे समय से डीपीसी नहीं हो पा रही और डीपीसी नहीं हो पाने की वजह से 2 बार डीपीसी बैठक के निर्देश पहले दिए भी गए हैं, लेकिन पशुपालन विभाग लंबे समय से डीपीसी प्रक्रिया नहीं कर रहा। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी वशिष्ठ की डीपीसी तो 2010 से नहीं हुई। ये अधिकारी पिछले 13 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। तो वही वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डीपीसी जो 2017 में हुई, वो चर्चा ये है कि निदेशालय में कई अधिकारी इस पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये अधिकारी नहीं चाहते कि डीपीसी होने से उनका चार्ज छिन जाए। 3 महीने पूर्व आपको ज्ञात होगा कि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने डीपीसी के निर्देश भी निकाले, लेकिन बावजूद उसके पशुपालन निदेशालय से पालना इसकी नहीं हो रही। तो अमेरिका में एक बार फिर से गहराया है बैंकिंग संकट। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक पर ताला लग गया है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अपने आप में इतना प्रतिष्ठित नाम, लेकिन अब उसके बाद सिग्नेचर बैंक पर ताला लग गया है। अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में तीसरी बड़ी विफलता रही। सिग्नेचर बैंक में लोगों की 7.4 लाख करोड़ रुपए जमा है और सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा स्टॉक भी है। क्रिप्टो करेंसी के एक साल में 60% से ज्यादा वैल्यू गिर गई है और इससे पहले बैंक को दिवालिया घोषित करता अमेरिकी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसको नियंत्रण में ले लिया है और सिग्नेचर बैंक बंद होने की खबर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट है। सबसे पहले 2008 में बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स के दिवालियापन से मंदी छाई, रिसेशन आया। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो उसका कोई खास असर भारत पर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही बैंकों के कस्टमर बेस सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। प्रदेश में आज एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, क्योंकि पिछले एक महीने में 4 बार पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम के मिजाज को बदल कर रख दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का ही आलम है कि अगले एक सप्ताह मौसम बदलता रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी होगी, बारिश होगी, ओलावृष्टि के भी आसार है। सोमवार से सक्रिय हुए विक्षोभ का 2 दिन असर इस तरह से जारी रहेगा और मौसम विभाग के अनुसार दूसरा विक्षोभ 16 मार्च से सक्रिय होगा। 21 मार्च तक ज्यादातर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ अंधड़ और बारिश रहेगी।
फिलहाल नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी भागों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। 14 मार्च को अजमेर, कोटा और भरतपुर जयपुर संभाग में मौसम बदलेगा। दोपहर के बाद हल्की बारिश और दो स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो बीते एक महीने में चार दफा ये मौसम बदल इस तरह से चुका है और देखिए किसानों के चेहरे पर तो शिकन आ ही जाती है बदलते हुए मौसम को देखते हुए, आसमान में काले बादल देखते हुए। लेकिन ज्यादा मुश्किलें इस बदलते मौसम में बीमार होने की वजह से भी हो रही है। मौसमी बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि कभी मौसम सर्द हो जाता है, अचानक से फिर बहुत तेज गर्मी हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। देखिए एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग में इस दौरान हल्की बारिश की संभावना है। 14 मार्च को अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में मौसम परिवर्तित होगा। दोपहर के बाद हल्की बारिश और दो स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान भी मौसम विभाग जाहिर कर चुका है। और अब तक मौसम विभाग ने जितनी बार अंदेशा जाहिर किया है उतनी बार मौसम पलटा भी है। अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अगले एक सप्ताह तक यूं ही बनी रहेगी। कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि भी होगी। सोमवार यानी कल ही से विक्षोभ सक्रिय हुआ और लगातार दो दिन तक उसका असर जारी रहेगा और उसके बाद तुरंत दूसरा विक्षोभ 16 मार्च से एक्टिव होगा। 21 मार्च तक ज्यादातर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ अंधड़ बारिश और फिलहाल नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी भागों जिसमें जयपुर भी शामिल है, वहां पर जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। बी फार्मेसी के छात्रों के गोल्ड मेडल पर ग्रहण लगा है क्योंकि 2000 में से कोई भी छात्र अब तक गोल्ड मेडल के योग्य नहीं बन पाया। आरयूएचएस की ओर से बी फार्मेसी के छात्रों को 7 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है, लेकिन आठवें दीक्षांत समारोह में एक भी छात्र को गोल्ड मेडल इस बार भी नहीं मिलेगा। लेकिन नियम तो यही कहते हैं कि गोल्ड मेडल के लिए प्रथम अटेम्प्ट में ही पास होना अनिवार्य है और सभी विषयों में अच्छे अंकों के साथ पास होने की अनिवार्यता है। 2021 के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल के 14,700 छात्रों को डिग्री मिलेगी। डीएम के 44, एमसीएच के 55, पीएचडी के 35 छात्रों को राज्यपाल डिग्रियां देंगे। 13 अप्रैल को बिरला ऑडिटोरियम में प्रस्तावित है 8वां दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह तो होगा, लेकिन सवाल यही कि 2000 विद्यार्थियों में से एक को भी इस बार भी गोल्ड मेडल नहीं मिल पा रहा है। बी फार्मेसी के छात्र हैं लेकिन इनके गोल्ड मेडल पर फिलहाल ग्रहण लगा हुआ नजर आ रहा है। आरयूएचएस की ओर से बी फार्मेसी के छात्रों को 7 बार पहले गोल्ड मेडल मिल चुका, लेकिन 8वां दीक्षांत समारोह जिसमें एक भी छात्र को गोल्ड मेडल नहीं मिला क्योंकि प्रथम अटेम्प्ट में पास होना इसके लिए अनिवार्य और तमाम विषयों की अनिवार्यता भी रही। शक्ति और भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्र 22 मार्च से मां भगवती की आराधना के साथ नव संवत्सर का भी आगाज हो जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्र में कई योगों का विशेष संयोग बन रहा है। नवरात्र के 9 दिन 4 सर्वार्थ सिद्धि, 4 रवि योग, 2 अमृत सिद्धि और 1 गुरु पुष्य योग का भी विशेष संयोग रहेगा। नवरात्र में इस बार व्रत और पूजन के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। शुक्ल ब्रह्म योग में 22 मार्च को घट स्थापना होगी। 30 मार्च को महागौरी की पूजा के साथ रामनवमी मनाई जाएगी। आखिरी नवरात्रि को महागौरी पूजन, रामनवमी के साथ गुरु पुष्य योग भी रहेगा। और साथ ही साथ ये देखिए ये कुछ ना कुछ इस तरह से संयोग बनना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नया साल और नए साल में पहले चैत्र नवरात्र में 22 मार्च से शुरुआत माँ भगवती जिसकी आराधना 9 दिनों तक की जाएगी। नव संवत्सर का भी आगाज हिंदू पंचांग के हिसाब से हो जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्र में कई विशेष संयोग रहने वाले हैं। 9 दिन के व्रत तो होंगे ही लेकिन 4 सर्वार्थ सिद्धि, 4 रवि योग और 2 अमृत सिद्धि, 1 गुरु पुष्य योग का भी विशेष संयोग इस बार नवरात्र में बन रहा है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की नीतियां भारतीयों पर भारी। 21,000 वैध अप्रवासी भारतीयों को नौकरी नहीं दे रही ब्रिटिश सरकार। अवैध अप्रवासियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी नीति कर रही है लागू। ब्रिटिश सरकार ने 63,000 प्रवासियों को नौकरी नहीं देने के आदेश दिए हैं। इन 63,000 अप्रवासियों में से 21,000 से ज्यादा भारतीय है। देखिए रंगभेद और नस्लीय पहचान के चलते इसे अवैध भी मान लिया जाता है। एशियाई लोगों पर सख्ती जबकि अवैध श्वेत अप्रवासी पकड़ से दूर अभी तक है। ब्रिटेन में शरण लेने के लिए भारतीयों को ना लेकिन यूक्रेनियों को हाँ, और तमाम सारी चीजों के बावजूद, समझौतों के बावजूद अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो ब्रिटेन में ऋषि सुनक की नीतियां भारतीयों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।
21,000 वैध अप्रवासी जो कि वैध है, लीगल है, उन भारतीयों को नौकरी ब्रिटिश सरकार इन दिनों नहीं दे रही। अवैध अप्रवासियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी नीति को तैयार किया है वहां पर, और ब्रिटिश सरकार ने 63,000 अप्रवासियों को नौकरियां नहीं देने के आदेश दिए हैं, जिसमें से 21,000 सिर्फ भारतीय है। और इस फैसले के बाद भारतीय समुदाय जो कि वहां रह रहा है, वैध तौर पर अप्रवासी है, उनके लिए संकट बढ़ा है। आज रांधा पुआ है, कल शीतलाष्टमी है, घर घर माँ शीतला के पूजन की तैयारियां जोरों पर है। भीगे हुए मूंग, मोठ, चने, पुआ पकौड़ी, दही, राबड़ी, बाजरे की रोटी समेत ठंडे पकवानों का भोग लगेगा। आज चाकसू में शीतला माता की डूंगरी पर शीतला माता का मेला भरेगा। जयपुर के पूर्व राज परिवार का शीतला माता को लगता है भोग। राज परिवार के भोग के बाद 2 दिवसीय मेले का आगाज हो जाता है। जयपुर समेत आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेले में 300 पुलिसकर्मियों का जाप्ता लगाया जाता है। नवविवाहिताएं विशेष तौर पर कंडवारा लेकर के मंदिर जाएगी, और कल से महिलाएं कुम्हार के यहां बनी गणगौर का पूजन करेगी। तो 16 दिन जो पूजन है गणगौर का वो रहेगा, इसके साथ में राज परिवार की भोग लगेगा, और उसके बाद 2 दिवसीय मेले का आगाज हो जाएगा। जयपुर समेत आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 300 पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात किया गया। 15वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की अब बात कर लेते हैं। आज प्रश्नकाल के साथ में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्य विधानसभा में आज गृह, शिक्षा, वन, राजस्व, पर्यटन, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य, शासन, युवा और खेल मामला विभाग, उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सहायता, वित्त विभाग, कृषि विपणन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। साथ ही सदन में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा रहेगी। विधायक रामलाल शर्मा उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रस्ताव लगा चुके हैं, तो राज्य पात्रता परीक्षा में छूट देने के संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया। ओबीसी एसबीसी की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट की मांग। विधायक संजय शर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे। विशेष योग्यजन को बीपीएल के समक्ष सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव, और बीपीएल सुविधा दिए जाने के आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही। साथ ही सदन में विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा जारी। कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा, और इस चर्चा के बाद मंत्री के जवाब के साथ सदन से दोनों मांगे पारित होंगी। एशियाटिक लैंड के एक जोड़ी के बायोलॉजिकल पार्क डिस्प्ले में शिफ्टिंग, शेर त्रिपुर और श्रेणी सृष्टि को डिस्प्ले में शिफ्ट किया गया है, और शिफ्टिंग के बाद शेर जीएस और श्रेणी तारा अब से लायन सफारी में रहेगी। जीएस को पिछले दिनों ही जोधपुर से जयपुर लाया गया। तारा के मैटिंग पार्टनर के बतौर जोधपुर से जयपुर लाया गया। दोनों की मैटिंग से बायोलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायन का प्रजनन संभव होगा। एसीएफ रघुवीर मीणा की मौजूदगी में कई बार शिफ्टिंग कराई गई है, और उसके लिए अब संभावनाएं भी बढ़ी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायन का प्रजनन संभव होगा। कुछ राज्यों में रेडक्रॉस सोसाइटी के खिलाफ शिकायतें, सीबीआई ने शुरू की भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जांच शुरू। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम और अंडमान और निकोबार, इन राज्यों में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के खिलाफ शिकायतें भी सामने आई है। तो इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के खिलाफ ये कुछ राज्यों की शिकायतें बता रहे हैं। सीबीआई ने इस पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच भी शुरू कर दी है। 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये जांच शुरू हो गई है। ऑलरेडी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार में ये जांच शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार की इस पर मामले चल रहे हैं इन राज्यों में। रेड इंडियन क्रॉस सोसाइटी के खिलाफ ये शिकायत। कोयला आवंटन घोटाले मामले में 30 चार्जशीट पेश। 2006-2009 में यूपीए सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील आरएस चीमा ने जानकारी। 56 मामले दर्ज, 3 में फैसला, 11 में अदालत ने फैसला रोका। 2006-2009 में 33 मामले, 30 में चार्जशीट, 11 में सुनवाई पूरी। इसके अलावा सुनवाई के विभिन्न चरणों में 19 मुकदमे दर्ज है। सीबीआई ने दर्ज की थी 1993-2005 के मामलों से जुड़ी 18 FIR, इसमें 10 मामलों में चार्जशीट पेश हो चुकी है, 3 में फैसला हो चुका है। 4,951 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच सीबीआई कर भी चुकी है। तो कोयला आवंटन घोटाले में 30 चार्जशीट ऑलरेडी पेश हो गई है, और इसमें 10 मामलों में चार्जशीट पेश, 18 FIR दर्ज, 1993 से 2005 के मामलों से जुड़ी 18 FIR जिसमें 10 मामलों में पेश हो गई है, और साथ ही 30 चार्जशीट भी अब तक पेश हुई है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।